channel Canada Wale Sharma. इस चैनल के थ्रू हम आपको ये बताएंगे कि कैसे आप अपना कनाडा इमिग्रेशन का पूरा प्रोसीजर खुद कर सकते हैं और वो भी किसी कंसल्टेंट के बिना। साथ ही में इस चैनल के थ्रू हम आपको कनाडा के लाइफस्टाइल के बारे में और आप कनाडा में कैसे सेटल हो उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। ऑल्सो एज पर द लेटेस्ट IRCC न्यूज, कनाडा प्लान कर रही है बेस्ड ऑन इमिग्रेशन टू कॉल people more than 2 lakh people every year har saal in 2021 2022 and 2023 साथ ही में जो कुछ महीनों की एवरेज CRS कट ऑफ की थ्रेशहोल्ड की जा रही है वो बहुत ही हाई है, जिसके बेसिस पे IRCC ITAs इनविटेशन टू अप्लाई एक्सप्रेस एंट्री कैंडिडेट्स को दे रही है। जैसे कि जो एवरेज यूजुअली आजकल जा रही है वो 470, 471, 475, 478 जा रही है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे CRS कैलकुलेटर के बारे में। CRS कैलकुलेटर जो 1200 पॉइंट का कैलकुलेटर है, आपको डिफरेंट फैक्टर्स पे एक्सप्रेस एंट्री एलिजिबिलिटी के लिए अवैल्यूएट करता है। वो फैक्टर डिफरेंट है, जैसे आपकी एज, आपका वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन और ECA। ECA स्टैंड फॉर एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट, जो ये बताता है जो आपका एजुकेशन है वो कनाडा स्टैंडर्ड के इक्विवेलेंट है या नहीं। एंड फोर्थ फैक्टर इज योर लैंग्वेज प्रोविशिएंट टेस्ट, व्हिच वुड बी इन इंग्लिश और इन फ्रेंच। और अगर आप चाहते हैं कि आपको एज अ कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंस बुलाया जाए थ्रू एक्सप्रेस एंट्री, उसके लिए आपको IRCC के थ्रू इनविटेशन टू अप्लाई आना जरूरी है। ITA स्टैंड्स फॉर इनविटेशन टू अप्लाई। और आपका ITA जब ही आएगा जब आपका स्कोर इक्विवेलेंट होगा मिनिमम CRS स्कोर के कट ऑफ के इक्विवेलेंट और उससे ज्यादा, नहीं तो आपका ITA नहीं आएगा। एंड ये ITA के ड्रॉप महीने में 2 बार डाले जाते हैं। और चलते हैं आगे, मैं आपको CRS कैलकुलेटर पॉइंट्स के ब्रेकअप के बारे में और मैक्सिमम पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू ईच फैक्टर क्या क्या है उसके बारे में बताऊंगी। तो चलिए ये ब्रेकअप डिटेल में देखते हैं। चलिए चेक करते हैं CRS पॉइंट्स के बारे में। पहला फैक्टर है कोर और ह्यूमन कैपिटल फैक्टर्स, जो कि 4 सब फैक्टर्स में डिवाइडेड है, एज, लेवल ऑफ एजुकेशन, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस। इसके अंदर आपको विद स्पाउस और विदाउट स्पाउस पॉइंट्स मिल सकते हैं। दूसरा है स्पाउस और कॉमन इन लॉ पार्टनर्स। अगर आप विदाउट स्पाउस जा रहे हैं तो आपको ऑन टोटल आप देखेंगे 4 सब फैक्टर्स में 10, 20 और 10, 40 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे, जो कि लेवल ऑफ एजुकेशन में 10 एक्स्ट्रा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में 20 एक्स्ट्रा और कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस में 10 एक्स्ट्रा। और टोटल अगर देखा जाए पहले ह्यूमन कैपिटल फैक्टर्स और स्पाउस और कॉमन लॉ फैक्टर्स का देखा जाए तो टोटल आप मैक्सिमम 500 पॉइंट्स ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ योर केस। तीसरे फैक्टर पे आते हैं जो कि है स्किल ट्रांसफरेबिलिटी फैक्टर, जो आपको मैक्सिमम पॉइंट्स दे सकता है 100 पॉइंट्स। ये भी 3 सब फैक्टर्स में डिवाइडेड है। पहला आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और एक पोस्ट सेकेंडरी डिग्री आपको 50 पॉइंट्स दे सकती है। दूसरा आपको ट्रेड सर्टिफिकेट इन सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी 50 पॉइंट्स दे सकता है। तीसरा आपको कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस और एक पोस्ट सेकेंडरी डिग्री 50 पॉइंट दे सकती है। चौथा है एडिशनल फैक्टर, जो कि डिफरेंट सब फैक्टर्स पे डिवाइडेड है, जैसे कि आपका ब्लड रिलेटिव हु इज अ परमानेंट सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंट और अ सिटीजन, उसके आपको 15 पॉइंट्स मिल सकते हैं। फ्रेंच लैंग्वेज स्किल्स पे आपको 50, वहाँ की कनाडा की एजुकेशन पे आपको 30, जो कि 15 थे, इमिया पे 200
और पीएन नॉमिनेशन पे 600। अगर आपके पास पीएन नॉमिनेशन है, इसमें आपको मैक्सिमम 600 पॉइंट्स आप स्कोर कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर केस। और अगर टोटल किया जाए चारों का फैक्टर्स, जो कि कोर ह्यूमन कैपिटल है, स्पाउस फैक्टर्स है, ट्रांसफरेबिलिटी फैक्टर्स है और एडिशनल पॉइंट्स है, टोटल ग्रैंड टोटल होता है 1200 पॉइंट्स। तो जितने में आप वैलिड होते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर केस, उतने पॉइंट्स आप आ सकते हैं। तो आपने देखा कैसे आपका CRS स्कोर बढ़ सकता है और आपके एक्सप्रेस एंट्री कनाडा इमिग्रेशन के दरवाजे खुल सकते हैं। डोंट वरी, आने वाली वीडियो में हम आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे और इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप कैसे अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोफाइल। Also, there are tons of videos, guys, coming on topics Canada immigration. So please like our videos and share our videos. And do not forget to subscribe our channel. Also, follow us on our Facebook page and Instagram with name called Canada Wale Sharmas. Also, please do write in the comment section below if you have any queries. We will try to answer your queries. साथ ही में अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।